मंजूरी दे दी है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा में इस बिल को पास करवाने के लिए राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा। खुद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि ये बेहद खुशी की बात है कि अब यूसीसी लागू होगा और सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। हमने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा के 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से हमने ये वायदा किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे, उसके लिए हम विधेयक लाएंगे और उसकी जो सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया था और माननीय राष्ट्रपति जी के पास हमने उसके अनुमोदन के लिए भेजा था। हमको उनका अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू जी का धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी और इस विधेयक के राज्य में लागू होते ही तमाम प्रकार से जो महिलाओं का उत्पीड़न है, बुजुर्गों का सुरक्षा है, बच्चों की सुरक्षा है, जो कुरूतियां हैं उन सबसे निजात मिलेगा और हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो मूल भावना थी कि समानता का अधिकार होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, वह भी देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो। हमारा राज्य जिस प्रकार से यहाँ से गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता भी उत्तराखंड से निकली है, अन्य राज्य भी इसका लाभ ले सकेंगे। मैं एक बार फिर से राष्ट्रपति जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक एक दिन पहले किया गया यूसीसी का वादा पुष्कर सिंह धामी ने आज पूरा कर दिया है। हालांकि वो तो विधानसभा में विधेयक को पारित करके पहले ही पूरा कर चुके थे, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी दे दी है। आपको याद होगा जब पिछले विधानसभा के लिए मतदान होना था उससे ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा था यदि हम सत्ता में लौटते हैं तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे। उस समय ये भी बहस शुरू हुई थी कि यूसीसी राज्य का मैंडेट है या नहीं, या केंद्र के पास ही इस तरह के अधिकार हैं, संविधान क्या कहता है, तो इस तरह की तमाम चीजें हुई थी। तो इसी दौरान जब सत्ता में लौटे तो उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया और पौने दो साल तक लाखों लोगों से ऑफलाइन ऑनलाइन बात करने के बाद उस कमेटी ने एक रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट को उन्होंने एग्जामिन करने के बाद विधानसभा में रखा और पिछले दिनों एक विशेष सत्र बुलाकर उस विधेयक को पारित करा लिया और फिर वाया राजभवन उसको राष्ट्रपति भवन भेजा। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए इसलिए भी ये जरूरी था क्योंकि संविधान में कुछ ऐसे प्रोविजन हैं जो यूसीसी में केवल केंद्र को अधिकार देता है, तो इसीलिए राष्ट्रपति ने आज उस बिल को मंजूरी दे दी है और उस बिल की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन